आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस क्वेश्चन गिवन एज दैट एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज। आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है, और किसके ऊपर? सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का जो सेंटर है उसके ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। और उसके लिए आपको यहाँ पे जो है डाटा दिया गया है, पहला तो बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर यहाँ पे जो है रिवॉल्व कर रहा है, और उस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस आपके पास स्मॉल आर है, और वहाँ पर जो एंगुलर स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की वो आपके पास ओमेगा। तो देखिए, हमें बताया कि जो आपके पास कोई भी सर्कुलर लूप जो होता है, यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट दिया गया है, तो जो कोई भी जो सर्कुलर लूप होता है उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका फॉर्मूला आपके पास होता है बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई डिवाइडेड बाई टू आर। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? वन होगी, बिकॉज एक ही जो सर्कुलर रूट के अंदर आपको यहाँ बताना है, तो आप लिख सकते हो एन की वैल्यू तो आपके पास हो गई वन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बी इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा बी, यहाँ पे एन प्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। ओके, सो यहाँ पे आपके पास क्या है? एक सर्कुलर ऑर्बिट है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मूव कर रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी? वन। तो यहाँ से आपके पास म्यू नॉट बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई टू आर। अब देखिए, यहाँ पे म्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है फोर पाई मल्टीप्लाई बाई टेन पावर सेवन, एंड यहाँ पे टू आर, टू आपके पास क्या है? कॉन्स्टेंट है। आर आपको यहाँ पे ऑलरेडी रेडियस बोला गया, रेडियस भी आपके पास कितनी यहाँ पे स्मॉल आ रही है, तो ये आपके पास यहाँ पर रेडियस होगी इसकी। मतलब आपको यहाँ पे जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी? करंट जो उसकी वैल्यू जो फाइंड करनी पड़ेगी, जिससे आपके पास करंट की वैल्यू आ जाए, आप इस फॉर्मूले में उसको जो यहाँ पे पुट करवा दीजिए, तो आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए, करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पता है करंट इज इक्वल टू क्या होता है? करंट आई इज इक्वल टू हमारे पास होता है चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई टाइम टी। ओके, सो यहाँ से देखिए, अब हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं करंट आई इज इक्वल टू चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया गया, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? ई, एंड जो वैल्यू जो होती है ई की वो आपके पास होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10^-19 कूलम। सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे टी क्या होगा? टी यहाँ से आपके पास होगा टाइम पीरियड, कि उसने एक ऑर्बिट के अंदर जो है, एक ऑर्बिट के अंदर उसने मूव करने के अंदर कितना जो टाइम लिया था, वो टाइम पीरियड आपके पास यहाँ पे जो है टी की वैल्यू हो जाएगी। सो ये हो गया टाइम पीरियड टी। ओके, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट ऑलरेडी 1.6 मल्टीप्लाई 10^-19 कूलम। हमें जो है टाइम पीरियड टी जो है वो और चाहिए। अब टाइम पीरियड टी हम कैसे निकालें? देखिए, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू हमारे पास होता है 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड यहाँ पे ओमेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो आई होगी, करंट आई, वो आ जाएगी यहाँ पे। देखिए, आप टी की वैल्यू रख दीजिए, तो ये आप कैसे हो गए ई डिवाइडेड बाई 2π डिवाइडेड बाई ओमेगा। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे हो गया ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई किसकी? आई की, दैट मीन्स करंट की। तो ये करंट की वैल्यू आप जो इस फॉर्मूले में पुट करवा दीजिए, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू म्यू नोट डिवाइडेड बाई 2R। तो एक आपके पास अलग आ गया, एंड आई, और आई की वैल्यू कितनी आपके पास यहाँ पे? ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2π। सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर तो आपके पास ये हो गया म्यू नोट ई ओमेगा डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, और ये आपके पास हो गया पाई आर। सो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेंटर के ऊपर। सो दैट मीन्स ऑप्शन, देखिए आपके पास आया था ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर, म्यू नॉट ई ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।